फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Well, hello and welcome to the Cricket Next YouTube channel. This video is specially for all the RCB fans out there. I'm pretty sure you all are very, very happy with the way the RCB team is performing. RCB was on number 10 for a long, long period of time, but now they have made a comeback and they are on the number 5 position in the points table. And the qualification line is very fast. RCB ने काफी कुछ ठीक किया है, काफी कुछ उनके फेवर में गिरा है, लेकिन अभी भी जॉब पूरी नहीं हुई है। दे ऑब्वियसली हैव टू विन देयर वन लास्ट मैच एंड देन दे विल हैव टू वेट एंड सी इफ द अदर मैचेस बिफोर दे प्ले CSK फॉल इन देयर फेवर। बहुत कैलकुलेशन, आई एम प्रिटी श्योर आपके कैलकुलेटर्स निकल गए हैं, आपके गूगल सर्चेस जारी हैं कि RCB को अब क्या करना है। चेन्नई अपना एक मैच जीत गई राजस्थान से, लेकिन RCB ने भी दिल्ली को हरा दिया है, तो अब RCB को चेन्नई को कितने मार्जिन से हराना है और किस किस टीम को हारना या जीतना है कि किसी तरफ आप डुप्लेसी एंड टीम, विराट कोहली एंड टीम प्लेऑफ्स में पहुंच जाए। तो सारी कैलकुलेशन लेके हम आ गए हैं यहाँ पर। वी विल गिव यू ऑल द सिनेरियोज एंड एवरीथिंग दैट यू the RCB fans, all the RCB fans need to know about your team, how can they make into the qualifiers. Sabse pehle kya karenge, sabse pehle we'll put the points table on the board for you guys so that it becomes easier for you guys to understand. ladai kiski hai, ladai hai fourth position ki more or less, because Kolkata and Rajasthan with the number of points they have, Kolkata is on 18, Rajasthan on 16, they are more or less qualified. wo haarte bhi apne matches, Kolkata officially qualify kar chuki hai, Rajasthan haarti bhi hai to qualify kar jayegi, they are on 16. Chennai Super Kings number 3, Hyderabad number 4. ab dono ke points same hai, Hyderabad ka run rate kharab hai, thoda unse kharab hai, Chennai ka run rate unse better hai, isliye wo number 3 pe hai. RCB के लिए कौन कौन से मैच इंपॉर्टेंट हैं? लखनऊ के दो मैचेस कल वो खेल रहे हैं, लखनऊ दिल्ली कैपिटल्स एट द अरुण जेटली स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, एंड देन दिल पे मुंबई इंडियंस एट द वानखेड़े स्टेडियम ऑन फ्राइडे। नाउ दीज टू मैचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RCB. हाउ इफ लखनऊ गोज ऑन टू विन बोथ दिस मैचेस, इट विल बी अ वेरी 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 टफ केस फॉर RCB, क्योंकि लखनऊ अभी 12 पॉइंट पे है, वो दो मैच जीतेंगे, 4 पॉइंट आएंगे, 16 पे पहुंच जाएगी। RCB का एक ही मैच है, वो 12 पे है, RCB सिर्फ 14 पॉइंट्स पे पहुंच सकती है। सो इफ लखनऊ विंस बोथ देयर मैचेस, इट विल बी रियली टफ फॉर RCB टू, अब दे वोंट बी एबल टू क्वालिफाई बिकॉज़ CSK वाला मैच भी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद भी इजीली 18 पॉइंट्स पे आ सकती है, उनके दो मैचेस पड़े हैं। सो यू ऑलरेडी हैव KKR, राजस्थान, चेन्नई एंड हैदराबाद, and if Lucknow also reaches 16 points, it will be tough for RCB. So इसमें से क्या जरूरी है, लखनऊ को एक मैच हारना बहुत जरूरी है। अब या वो दिल्ली से हारे या वो मुंबई से हारे फ्राइडे को, that becomes really important for the Royal Challengers Bangalore. And when they play Chennai Super Kings on Saturday, what is important for them? If other results go in such a way that RCB-CSK game is a knockout, अब वो knockout कैसे होगी? जो कि जैसे कि मैंने बताया, Lucknow will have to eventually lose one of their games so that they can also reach 214 points. And if they reach 14 points, their run rate is not that good, courtesy what SRH did to them in the last match, 10 over के अंदर they chased down the target, and that really, really impacted Lucknow's net run rate. Now, if this RCB versus CSK game is a virtual knockout sort of, then RCB need to win by 18 runs, if they score 200, to take their net run rate past that of CSK. RCB को सिर्फ चेन्नई को हराना नहीं है, चेन्नई को अच्छे मार्जिन से हराना है, क्योंकि आप देख सकते हैं चेन्नई ऑलरेडी 14 पॉइंट्स पे है। चेन्नई अगर वो मैच हारती है तो 14 पे रहेगी और बैंगलोर भी 14 पे पहुंच जाएगी। एंड इफ बोथ द टीम्स आर ऑन द सेम पॉइंट्स, व्हाट डू यू सी द नेट रन रेट। चेन्नई हैज अ स्लाइटली बेटर रन रेट देन RCB राइट नाउ, एंड देयर इज अ सर्टेन कट ऑफ एज वी सेड 18 रन्स, एंड RCB विल हैव टू डिफीट देम बाय 18 रन्स और ईदर चेस डाउन द टारगेट इन 18 ओवर्स, 18.1 ओवर्स टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, एंड दैट इज इफ दैट मैच बिकम्स अ वर्चुअल नॉकआउट। और CSK के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, CSK के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो किसी तरह वो मैच जीते। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, व्हाट इफ CSK लूज टू RCB, जब अगर चेन्नई RCB से हार गई तो क्या होगा, आई विल रीड इट आउट फॉर यू गाइस। इफ RCB क्लेम देयर सिक्स्थ विन ऑन द ट्रॉट एंड गेट द बेटर ऑफ CSK इन बेंगलुरु,
CSK will need to ensure that they do not lose a margin of more than 18 runs. जैसे मैंने कहा 18 रन के मार्जिन, अगर 19 रन से भी CSK हारती है ना, उससे होगा क्या, RCB 14 पॉइंट्स पे आ जाएगी सेम एज CSK, बट दे विल ऑल्सो हैव अ बेटर रन रेट देन CSK 18 से ज्यादा रन से जीतने पे, और वो चेन्नई को पीछे छोड़ देंगे. इफ CSK लूज बाय अ मोर सिग्निफिकेंट मार्जिन अंडर द राइडर अबव दैट इज RCB, then RCB's net run rate will be better than CSK's and RCB will jump above CSK in the points tally. In that case, if SRH manage to win either of their remaining two games, CSK will be out of the playoff. ऐसा क्यों? SRH already 14 पे है, एक भी मैच जीते हैं 16 पे आ जाएंगी और नंबर 3 का स्पॉट ले जाएंगे, नंबर 4 बचेगा, नंबर 4 में RCB तो वैसे ही नेट रन रेट में उनसे आगे होगी, अगर 18 रन के मार्जिन से ज्यादा जीतेगी तो CSK will be out of contention and it will be कोलकाता, राजस्थान, हैदराबाद एंड देन RCB. इफ CSK लूज बाय नैरो मार्जिन दे विल एंड द लीग स्टेज एट 14 पॉइंट्स, RCB विल बी इक्वल ऑन पॉइंट्स विद देम एंड देन नेट रन रेट विल एंश्योर दैट CSK आर प्लेस्ड अबव RCB. इफ SRH विन ईदर ऑफ देयर रिमेनिंग टू गेम्स एंड द फाइनल 4 विल बी KKR, RR, SRH, CSK. ये तब होगा अगर 18 रन से अंदर अंदर में CSK हारी ना, 10 रन से हारी, 16 रन से हारी, 17 रन से हारी, तब भी हारने के बावजूद भी CSK विल क्वालिफाई. And that is if also if SRH also wins one of their matches, तो ये top 4 होगा, कोलकाता, राजस्थान, SRH and CSK. तो RCB के लिए, Royal Challengers Bangalore के लिए सबसे ज्यादा important दो चीजें हैं फिलहाल. A, to pray that Lucknow at least loses one of their two matches जो बचे हैं, one against Delhi, one against Mumbai. एक ना एक हारना बहुत जरूरी है लखनऊ के लिए. लखनऊ अगर दोनों जीती तो RCB का चांस नहीं होगा. It will be really tough for RCB to qualify, क्योंकि लखनऊ जीत के 16 पे पहुंच जाएगी, SRH एक भी अगर अपना जीती 16 पे पहुंच जाएगी, then both CSK, then अगर CSK को RCB ने हरा भी दिया, then also it won't make any difference किसी भी मार्जिन से, because you already have two teams on 16 points. So RCB के लिए दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, लखनऊ एक ना एक मैच हारे, and second they have to obviously defeat Chennai Super Kings, but they have to defeat them within a certain margin that is more than 18 runs. अब ये काफी 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 जरूरी हो जाता है. So up till now RCB has sort of made a turnaround from 10th position to the 5th position. They are in great form, they are in gun form. The only drawback, the biggest blow to RCB is that Will Jacks won't be available for that match. Will Jacks and Dee Stopley have returned back to England for their international duties and they won't be playing the upcoming matches for RCB, ek CSK wala, and if they qualify then all the playoff games as well. So this is a big blow for RCB, but we'll have to wait and see the kind of cricket RCB has been playing so far. In the last 5 matches they have won 5 matches on trot and this will be their 6th win if they manage to win, or agar margin se jeete then they'll qualify. So this is all the scenario for RCB's qualification. All the RCB fans, you have been praying and your prayers have been answered so far. Kafi kafi kuch abhi aur hai jo RCB ke favor mein hona baki hai. To aapko kya lagta hai, kya wo hoga? Lucknow kya ek match haregi, ya aapko lagta hai Lucknow dono jeet jayengi, aur क्या आपको लगता है बेंगलोर चेन्नई को हरा पाएगी, और अगर हरा पाएगी तो क्या उस मार्जिन से हरा पाएगी जो जरूरी है, क्योंकि चेन्नई जो राजस्थान से जीता है ना, उसने वो सिचुएशन थोड़ी टफ कर दी है आरसीबी के लिए और अपने लिए काफी बेटर कर दी है. अब आई नो ऐसी सिचुएशन में आरसीबी फैंस को वो KKR का एक रन से जो हार आई थी वो याद आ रही होगी कि what if you would have won that match, would have been a very very much more comfortable position right now, but this is a game of margins. A team plays 14 matches and it ultimately boils down to that one run. It could be very well possible agar RCB qualify nahi karti, wo ek run bahut khatkega RCB ke fans ko, RCB ke team ko, but this is cricket, this is sport and this happens. So you guys, especially the RCB fans and even all the other team fans, do let us know, what do you think will be IPL 2024's top 4, kaun kaun teams honge, KKR, RR is more or less there, KKR is obviously qualified, RR is also will also qualify soon, they only have to win one match, uske baad SRH ke kafi chances hai, but fourth spot kiska hoga wo dekhna bahut bahut zaruri hai. To niche jo comment section hai us pe jaiye, zarur likhiye aapko kya lagta hai kiska hoga fourth spot, kaun si team hogi, aur sabse badi baat, if CSK loses the Saturday game with a big margin, then that could very well be MS Dhoni's last IPL game. So eventually Virat Kohli will have to beat MS Dhoni and end his career few matches before
to step into the playoffs. It will be a great arena, but what a match it will be. Two big teams, two informed teams. CSK is also informed after defeating RCB five matches on a trot. They have won, and it will be a mega clash between the two titans, between MS Dhoni, between Virat Kohli. I am pretty sure everybody is waiting for that clash. But for that to become interesting, we'll have to see if LSG manages to lose one or not. So do write your predictions for the number four spot and all the top four in that order. What do you think? Pehle pe kaun hoga, dusre pe, teesre pe, aur chauthe pe. And we will be waiting. We'll be reading all your comments and we'll be taking up all your questions and opinions about the IPL so far and the upcoming predictions as well. Tab tak ke liye dekhte rahiye IPL. Subscribe kijiye Cricket Next YouTube channel ko. Bell icon usko daba dijiye taki hum jab bhi live jaye, aapko notification aaye and you bring all your questions along and you ask our experts all the questions you have, all the doubts you have, all the opinions you want to share. So do subscribe to the Cricket Next YouTube channel. Follow us across all your social media platforms. We are on Facebook, on Twitter, on Instagram, on Threads. And we will address all your questions and your opinions. Until then, please take care of yourself and have an amazing day today. Thank you. Fastest cricket score updates या सबसे detailed stats. Cricket के अंदर बाहर की खबरें या healthy debates. सबसे accurate analysis या fans का craze. सबके लिए एक ही platform. क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.